नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत फूल पिटूनिया के बारे में बात कर रहा हूँ। पिटूनिया कई तरह की होती है, पिटूनिया स्टार है, पिटूनिया बॉर्डर है, पिटूनिया प्लेन है, देसी पिटूनिया है, डबल पिटूनिया है। तो दोस्तों मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसका लगाने का बिल्कुल सही समय है। वैसे तो हमने कुछ सितंबर में भी लगा दिए थे, अब भी लगा रहे हैं, लेकिन आपके लिए वीडियो इसलिए लेकर के आ रहा हूँ। आप लोग लगाते हैं, लेट लगाते हैं, और उसके साथ कुछ टेकिंग केयर होती है, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसको हम करके एक ही गमले में जो है हजारों फूल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पर आप देखते हैं कि इस तरह से ये दो फूल लेकर के, देखिए इस तरह से दो फूल लेकर के लोग खुश होते हैं कि हमारा पिटूनिया खिल रहा है। तो आखिर इसमें, इसी पौधे में, इसी गमले में हम हजारों फूल कैसे ले सकते हैं, वो टेक्निक मैं आपके साथ जो सीक्रेट है वो शेयर करने वाला हूँ आज। तो आप बने रहिए हमारे साथ। उससे पहले हम देखते हैं कि ये देखिए, ये जो पिटूनिया है ये छोटे छोटे पौधे होते हैं, ये उगाए आप देखिए, बिल्कुल जड़ें इसकी तैयार हैं और इसकी बहुत गहराई में जड़ें नहीं जाती है, साइड वाइज ही फैलती हैं, इसीलिए बहुत गहरा गमला 10-12 इंची 14 इंची लेने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह का जो है सैलो 6 इंची गहरा पॉट में लगा सकते हैं, 4 इंची गहरा पॉट में लगा सकते हैं। और बेल ब्लूम आपने देखा है हमारे चैनल पे, समीर सिंह गार्डन को सब्सक्राइब कर लें। अगर नहीं देखा है तो जायंट पिटूनिया के नाम से वीडियो डली हुई है, उसको देख लें। तो अब हम चलते हैं कि इसको लगाने का क्या तरीका, कैसा सॉइल मिक्स होना चाहिए। इस तरह के पौधे हैं ये देखिए, इतने छोटे छोटे से पौधे लगाए, लोग कहते हैं बहुत बड़े, लेकिन बड़े पौधे जल्दी चलते नहीं हैं। जितना पौधा छोटा होगा रूट उसकी, उतनी जल्दी आपकी सर्वाइव कर जाएगी और वो उस सॉइल को अडॉप्ट कर लेगा। ठीक वैसे ही दोस्तों जैसे कोई चाइल्ड अडॉप्ट करते हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा छोटे एज में लिया जाता है, ताकि आपको पूरी तरह से तहे दिल से अडॉप्ट कर ले, मतलब वो भी मान ले कि यही मेरे मदर और फादर हैं। लेकिन अगर वही 3-4 साल का 5 साल का बच्चा ले लोगे जिसको पूरी नॉलेज हो जाए, तो वो कभी आपको दिल से एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो प्लांट भी कोशिश करें कि छोटे प्लांट को लगाएंगे तो आपकी सॉइल को, आपकी केयर एंड टेकिंग को अडॉप्ट कर लेगा। तो आइए जानते हैं इसको लगाने का सॉइल मिक्सचर। तो दोस्तों देखिए, ये जो है एक सॉइल है, इसमें क्या होता है, वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, ज़्यादा पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको दिखाया कि इसके रूट जो हैं बहुत नाजुक होते हैं, ज़्यादा पानी होगा तो ये देखिए बाल से भी नाजुक रूट हैं, ये तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएंगे, तो पौधा मर जाता है। आप कहते हैं हमारा पौधा चलता नहीं है, पानी कम रखना है, वो भी मैं आगे बताने वाला हूँ आपको सीक्रेट। तो ये देखिए हमारा सॉइल मिक्स बना हुआ है, इसमें हमने सबसे पहले क्या डाला, एक गमले के लिए मिट्टी तैयार करेंगे। तो ये देखिए एक अच्छी सी मुट्ठी जो है ये नीम खली की है, ये डालेंगे। दूसरा हमारा जो है ये लीफ कंपोस्ट है, लीफ कंपोस्ट डालेंगे इसमें। इस गमले के लिए मिट्टी तैयार करना है तो 4 से 5 मुट्ठी ये लीफ कंपोस्ट होनी चाहिए और 1 मुट्ठी ये नीम की खली है। इसके बाद हमारा कैल्शियम है, कैल्शियम हर पौधे की जान होती है, जो स्टोन पाउडर है इसका हम 3 मुट्ठी डाल देंगे इस गमले के लिए। और इसके बाद हमारा आता है कार्बन, जो कि सॉयल एक्टिवेटर है। आप सॉयल एक्टिवेटर डालेंगे तो जो खाद आप डालेंगे उसका 100% फीड जो है प्लांट को मिलेगा। तो ये हमारी सॉयल बिल्कुल तैयार है, सारी चीज़ों को मिला करके। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो लिप कंपोस्ट की जगह वर्मी कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, बट क्या उसका रिजल्ट वो नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए। तो ये आपको सैलो पॉट लेना है इस तरह का पिटूनिया लगाने के लिए। ये 6 इंची का मिट्टी का सैलो पॉट है। इस तैयार मिट्टी को हम देखिए ऐसे ये हम भर लेंगे, ये हमने इसको डाल लिया, रेडी सॉइल है ये हमारा। और इसको हम ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे, ये देखिए। और इसमें क्या करना है कि थोड़ी जगह आपने छोड़नी है, क्योंकि हम कल को रूट फिलिंग करते हैं, इसकी रूट फिलिंग करते हैं तो उसके लिए खाद डालेंगे तो वो थोड़ा ऊंचा आएगा, इसलिए हमने इतनी जगह आपको छोड़ के रखनी है, 2-1 इंची 1.5 इंची जगह जो है आप छोड़ के रखिए। 1 से 1.5 इंची जगह छोड़ दिया हमने। अभी हमारा सैलो पॉट बिल्कुल तैयार है। अब आप कहेंगे कि इसमें तो आप ज़्यादा पौधे लगाते होंगे, लेकिन हम ज़्यादा पौधे नहीं, हम एक ही लगाएंगे, जैसे देखिए एक एक है, और एक ही पौधे से ये सभी में एक पौधे हैं, देखिए आप ये एक पौधा है, इसी तरह से इसमें भी एक पौधा पूरा ही लेगा। तो हम कैसे लेने वाले हैं ये तरीका मैं बताऊंगा, शेयर करूंगा आपके साथ सीक्रेट, ताकि आप भी एक ही गमले में हजारों फूल लेकर के और अपने घर को एकदम लोगों को देखने लायक बना सके। तो ये देखिए लिया हमने और ये पौधा उठाया हमने, कोई भी पौधा आप लगा सकते हैं इस तरह से, कुछ भी नहीं करना है। दोस्तों कोकोपीट धोने का तरीका ऐसा नहीं है कि इसको निकाल निकाल के करें, सारी रूट टूट जाएंगे। हम क्या करेंगे, पानी ले लेंगे एक में और इसको ऐसे थोड़ा लूज़ किया और देखिए बस इसको हम ऐसे ऐसे पानी में करेंगे, हिलाएंगे और ये देखिए
इसने कोकोपीट ने सारा छोड़ दिया जगह, और हमारा सिर्फ ये रूट रूट जो है प्लांट का आप देख रहे हैं। इसको खोदेंगे और इसको ऐसे रूट को एक साथ कुछा नहीं करेंगे, ऐसे हम इसको सेटल कर देंगे। और इसका ये ध्यान रखना आपने कि ये जो पोर्शन है इसके नीचे तक ही मिट्टी रहनी चाहिए। कभी भी इसके जो शूट वाला पार्ट है इसमें मिट्टी जाएगा, पानी जाएगा, तो ये गल जाएगा यहाँ से। इसका बड़ा आपने ख्याल रख के पौधा लगाना है। बहुत ही सिंपल तरीके से ये पौधा लग गया। अब पानी डालते टाइम हम क्या गलती करते हैं, पानी डालते टाइम हम गलती करते हैं कि इसको पाइप से उठाते हैं, डब्बे से पूरा भर देते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है जब आप प्लांट लगाते हैं। इसको हमें पानी ऐसे डालना है कि सिर्फ इसके जड़ के आसपास पानी जाए। ये देखिए इतना पानी सफिशेंट है इसके लिए। क्यों, आखिर क्यों, आप कहेंगे क्यों? अगर हम पूरा डाल देंगे तो मिट्टी सेटल हो जाएगी, ऑक्सीजन का जो प्रवाह है वो इसके जड़ों में बंद हो जाएगा। और अभी प्लांट जो है शॉक में है, क्योंकि अलग से हमने इसको शिफ्ट किया है, जड़ भी धोया है, तो यहाँ से जो है ऑक्सीजन इसके जड़ों को मिलता रहेगा और ये प्लांट 100% आपका सर्वाइव करेगा। आप ना माने तो ट्रायल करके देख लें। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो हमारे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें, हम उसका सॉल्यूशन फिर आपको बताएंगे। तो ये इसको रखना है और फुली सनलाइट में रख सकते हैं इसको, कोई छाया में नहीं रखना है। ये प्लांट लगा के हमारा ख़त्म। अब ये देखिए कि आगे जो मैं सीक्रेट शेयर करने वाला हूँ उसको बड़े गौर से देखिए। पेपर पेन आप अपने पास रख लें ताकि आपको नोट हो जाए, नहीं भी रखते तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये चैनल पे वीडियो अवेलेबल है। जब दिल करे, रात को दिल करे, दिन को दिल करे, बिना किसी चार्ज के आप उसको देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये हम उठा रहे हैं दो गमले, ये हमारे लगे हुए हैं। अब हमें इतना फूल है, लोग बहुत खुश हैं जी मेरे पिटूनिया में फूल आ गया, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ कि मेरे पिटूनिया में फूल आ गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं ये कैंची उठाऊँगा और इसको काट दूँगा। आप कहेंगे हाँ ये क्या किया, अच्छा वाला तो फूल खिल रहा था, लेकिन अगर आज मैं फूल लेता हूँ तो मुझे दो चार फूलों से संतुष्टि करनी पड़ेगी, लेकिन इसको मुझे सैकड़ों हजारों फूल लेना है। तो ये देखिए कि ये जिस तरह से अब हमने एक बार पहले कटिंग कर दी हुई है, देखिए निशान दिख रहा है, कटिंग कर दी है, तो एक ही पौधे से आप देखिए कि कितनी ब्रांच निकली है। अब जैसे ही फूल आएगा वैसे ही हमने कट कर देना। ये देखिए इसको भी हम यहाँ से ये कट कर देंगे, ऊँचा नहीं होने देंगे। ये देखिए ये हमने ख़त्म कर दिया, ये फूल खिल रहा है। इसको अगर अभी से फूल हो जाएगा तो प्लांट के ऊपर ग्रोथ नहीं बढ़ेगी आपकी। तो ये हमने ये देखिए इस तरह से जो कलियां हैं इसको निकाल दी। इसको भी ट्रिम करते रहना है टाइम टू टाइम, आपको इस तरह से ट्रिम कर देना है ताकि इसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस जो हैं वो ज़्यादा बने। तो आपने देखा ये कट कर दिया, और इसका जो सही समय लगाने का है, अब जैसे ये हमने लगाया तो ये सितंबर में लगा दिया हमारा, अभी लगभग डेढ़ महीने का पौधा ये हो गया। डेढ़ महीने में इतना पौधा हो गया, इतने से डेढ़ महीने में इतना पौधा हो गया। इसको न्यूट्रिशन प्रॉपर देते हैं हम, और इसको सितंबर अक्टूबर नवंबर में आप लगा सकते हैं अच्छी ग्रोथ के लिए। नवंबर एंड तक इसको आप लगा सकते हैं। अगर दिसंबर जनवरी में लगाएंगे तो ये ग्रोथ नहीं मिलेगी दोस्तों, तो आप सितंबर अक्टूबर नवंबर प्रेफर करें। दिसंबर 15 तक भी लगा सकते हैं तो ग्रोथ आपको मिल जाएगी। अब हमें कटिंग तो कर दी, हम सोचेंगे कटिंग कर दी अपने आप ब्रांच आ जाएगी, लेकिन ठीक वैसे ही जैसे हमारे फैमिली में दो मेंबर है तो 5 किलो आटा जो एक मंथ चल जाता है, लेकिन अगर 6 मेंबर हो जाएं तो आटा तो फिर 15 किलो हो जाएगा। इसी तरह से ब्रांचेस जो बढ़ गई हैं तो इसको हमें खुराक भी देनी है। अब खुराक देने के लिए क्या है, ये सबसे अहम चीज़ है। खुराक देने के लिए है फ्लावर फूड, सीजनल फ्लावर फूड। इसमें क्या है, सीजनल कोई भी फ्लावर है आपका उसके अंदर इसको डाल करके और बहुत ही बढ़िया ब्लूम ले सकते हैं। ये हम पहले भी डाल चुके हैं और अब भी हम इसकी रूट फिलिंग करेंगे। कैसे करेंगे ये देख लें सीक्रेट को। और ये रूट फिलिंग करके आप, मैं गारंटी कह सकता हूँ कि ये प्रोसेस फॉलो करेंगे और सही समय पर करेंगे तो आपका जो ये पौधा है वो एक ही गमले में हज़ारों फूल देगा। अगर नहीं यकीन हो तो आप हमारा जो चैनल है समीर सिंह गार्डन उस पर जा कर के जैन पिटूनिया नाम की वीडियो देख लें। ये देखिए एक मुट्ठी हमने लिया और इसमें इसको दबा दिया हमने, ये देखिए। इसी तरह से हमें इसको 3 मुट्ठी के अराउंड डालना है। ये देखिए इसको हमने खोदा और इसके अंदर हमने इस खाद को ऐसे डाल देना है। ये जो मैंने नीचे छोड़ा था, जगह छोड़ी थी, इसीलिए छोड़ी है कि देखिए खाद डालने के बाद मिट्टी जो है लगभग ऊपर आ रही है, क्योंकि खाद पड़ेगा तो उसकी जगह तो लेगा ना, वो जगह ले लेगा तो ऊपर आएगा ही आएगा। अब 3री मुट्ठी हमने यहाँ डाली और इसको हमने ऐसे छोड़ दिया। ये देखिए अब हमारा ये पौधा जो है
हमने कटिंग कर दी, नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ेगा और इसको दे दिया हमने तो कंप्लीट फूड जो है। अब ये प्लांट पानी डालेंगे और पानी डाल के, यानी कि रोज पानी डालना है आपने। आपने क्या करना है, पानी जब तक सूखे नहीं, ये देखिए इसको 3 दिन हो गए पानी डाले हुए, मिट्टी ऐसी है ऐसी रहे। और इसके बाद आपने साथ साथ क्या करना है, वीक में एक बार गुड़ाई ऐसे ऐसे हल्की हल्की गुड़ाई ऐसे ऐसे कर देनी है और छोड़ देना है एक दिन कम से कम पूरा 24 घंटे का धूप लगे, तो इसकी जड़ों को ऑक्सीजन जाएगा और इसकी ग्रोथ पूरी हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों आप करके रखिए, पानी सूखने पे डालिए और आप देखेंगे कि एक गमले में 1000 फूल का जो टारगेट है वो आप अचीव कर पाएंगे। ठीक मेरी तरह। धन्यवाद दोस्तों।